जो दादाजी हैं और तकरीबन जो है 92 साल के हैं, वो वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? 400 रुपया मिलता है। गरीब है, कुछ खाने पीने का ससला कम है। बाबू जी, उन्हीं को देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार और आप देख रहे हैं जनजन की आवाज। मैं एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ हूं और वो बुजुर्ग जो है तकरीबन 92 साल के हैं और उनसे हम बात करेंगे आखिर वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, उसके विषय में बात करेंगे। और 2024 में सीएम बनने वाले हैं, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो दादाजी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले दादाजी अपना नाम बताइए जो जनता देख रहे हैं। होरिल पासवान। कैमरा मैन थोड़ा फोकस करिएगा, शायद आपको जो है से साउंड की कमी हो सकती है क्योंकि माइक जो है थोड़ा खराब हो चुका है। और इनका दादाजी का नाम है होरिल पासवान। तो होरिल पासवान जी, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? 400 रुपया मिलता है। कितना? 400। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? 400 में क्या जिंदगी चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो थोड़ा क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हमारे वीडियो के माध्यम से अगर देखेंगे तो सरकार अपना निर्णय करेगी। हाँ, क्या कहिएगा, बोलिए। हम बहुत तकलीफ में है, गरीब है, कुछ खाने पीने का ससला कम है, मर रहे हैं, अब क्या कहेंगे। देख सकते हैं कि बुजुर्ग दादाजी हैं और तकरीबन जो है 92 साल के हैं। और यहाँ पर दिखा दीजिए, कैमरामैन थोड़ा फोकस कर दीजिए, घर का स्थिति हालात दिखा दीजिए। और घर जो है पूरा गरीबी में छाए हुए हैं और कह रहे हैं जो हम गरीबी हैं, लेकिन सरकार इस पर जो है से नहीं सोच रही है। और सरकार जो है 400 रुपया मंथली वृद्धा पेंशन के रूप में मिलते हैं, लेकिन 400 में आज के जमाना में कुछ नहीं होगा। 400 रुपए चाय पानी में समाप्त हो जाएंगे। और भी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि 2024 में जो है इलेक्शन होने वाला है, सीएम किसके रूप में आप देखना चाहते हैं? अब तो आ गए हैं जैसे कि चिराग बाबू जी, उन्हीं को देखना चाहते हैं, वही जो करेंगे होंगे। आप बहुत सरकार के देख, कांग्रेस के भी देख लिए, बहुत जनता के भी देख लिए, बहुत सरकार के इंदिरा गांधी के देख लिए, जवाहरलाल के देख लिए, नेहरू बाबू को देख लिए, सबको, इतना आदमी के हम देख लिए भाई, कुछ किए नहीं हम लोगों को जी। देख सकते हैं कि सरकार के बारे में दादाजी कह रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस आया, बीजेपी का सरकार भी आया, लेकिन उसमें जो है अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ 92 साल के बुजुर्ग हैं, तब पर भी कह रहे हैं कि मैं चिराग ही का वोटिंग करूंगा। आखिर चिराग पासवान जी को क्यों वोटिंग करेंगे, बताइए? वो नवयुवक नेता भी है, वो उनका बोल विचार चलन रहन बहुत अच्छा है जी, चूरी चपारी नहीं है जी, जो बोलता है ऐसे अच्छी बात बोलते हैं जी। देख सकते हैं कि चिराग पासवान जी के बारे में बुजुर्ग आदमी बता रहे हैं कि वो जो है अच्छा वातावरण और अच्छा व्यवहार करते हैं, बोली स्वभाव का बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं सुने हैं से पढ़े लिखे भी इंसान है चिराग पासवान जी। हाँ, लेकिन वो तो चिराग पासवान जी जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10+2 है, और जो है 10+2 करने के बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए थे जी जी। हाँ, तो ज्यादा वो भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका जो है स्वभाव, जो है स्वभाव कहीं ना कहीं इंसान को अच्छा लगता है, व्यवहार बहुत बढ़िया है। हाँ, व्यवहार बढ़िया, इसी वजह से जो है कह रहे हैं चिराग पासवान जी का वोटिंग करेंगे 2024 में। लेकिन जो वोटिंग तो छोड़िए, वोटिंग की बात है, मगर इस बुजुर्ग आदमी का हेल्प करने वाला अभी तक कोई नेता खड़ा नहीं हुआ है। और वृद्धा पेंशन जो आपको मिल रहा है 400 रुपया, उसमें कुछ कहिएगा कि उसमें गुजर बसर तो नहीं होता होगा, लेकिन सरकार को क्या कहना चाहते हैं? दूसरे स्टेट में वृद्धा पेंशन जो मिल रही है, वो वृद्धा पेंशन 1000 रुपया मिल रही है, लेकिन बिहार के नेता अभी तक कुछ बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन के बारे में कुछ नहीं किया, उस पर क्या कहिएगा? कुछ नहीं किया उस पर, क्या कहिएगा? जनता देख रही है, गरीबी मर रहा है, 400 रुपया क्या होगा, बहुत कट भी गया है। 400 रुपया मिल रहा है, उसमें कुछ नहीं होगा। 400 रुपया मिल रहा है और 400 रुपये में आज के डेट में अभी तक कुछ नहीं होता है, चाय पी नहीं पीजिएगा, उसमें समाप्त हो जाएगा। और हमारे जो सीएम बनने वाले हैं और बनने जो जा रहे हैं, उन बुजुर्ग को और विधवा को जो है पेंशन का लागू, जो जिस तरह दूसरे स्टेट में 1000 का प्रोसेस किया गया है, उसी तरह बिहार में अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा। बिहार में अगर 1000 रुपया कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, गरीब के हक में कुछ फायदा रहेगा। तो देखिए, बिहार में दादाजी भी बता रहे हैं 92 साल उम्र हो गए हैं इनका, और 1000 रुपया अगर हो जाता है तो और
अच्छा रहता, लेकिन इस बार जो वोटिंग होगा तो चिरागो को आप वोट दीजिएगा जी। कहीं जातिवाद तो नहीं कर रहे, जो हम पासवान है तो पासवान के वोट देंगे? ना ना, जातिवाद नहीं। पहले तो हम लोग कांग्रेस के देते थे, कांग्रेस के राजा राज था तब। हाँ, कांग्रेस तो फिर जनता आया, उसको भी आज वोट दिए। उस समय में हम जैसे के देखे, जैसे के आपको राम विलास बाबू को जो बिहार के लिए बहुत कुछ किए, क्या क्या चीज चला दिए, तेरी फूल चलाए, रेडियो पुल बनाए। हाँ। जो आपको कहने का जो वृद्धा पेंशन का समय में नहीं था। तो ठीक है, देख सकते हैं कि दादाजी का बयान जैसे मिला है, जो पासवान जी ये सब का कार्य करवाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।